रामपुर जिले में रामानुजगंज के ग्राम रामपुर में अवैध रूप से संचालित राइस मिल को डिप्टी कलेक्टर दीपक निकुंज, खाद अधिकारी शिवेंद्र कामठे एवं उनकी टीम द्वारा मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर सील करने की कार्रवाई की गई है। धमतरी जिले की साइबर सेल व रुद्री पुलिस ने मारुति स्विफ्ट डिजायर में गांजा तस्करी कर रहे आरोपी को पकड़ा है। आरोपी से एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार, कीमत 5 लाख रुपए, 10 पैकेट मादक पदार्थ गांजा, कुल वजन 87 किलो, कीमत 17,40,000 रुपए, एक वीओ स्मार्टफोन कीमत 10,000, कुल जुमला 22,50,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। बिलासपुर जिले में कोटा थाना क्षेत्र में रतनपुर पेंड्रा मार्ग के ग्राम छतौना और ग्राम सोड़ा के बीच में जामुन नाला के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में खारंग नदी में अवैध रूप से रेत निकाल रहे ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। रेत ले जाते समय ट्रैक्टर नदी में फंस गया। उसे निकालने की कोशिश में इंजन ऊपर उठ गया और उस पर बैठा हुआ ड्राइवर ट्राली और इंजन के बीच में फंस गया। इसके साथ गए मजदूर यह देखकर भाग खड़े हुए और ड्राइवर की मौत हो गई। बलरामपुर जिले में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जगीमा के पास ट्रैक्टर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में करीब 14 लोग घायल हो गए। 4 लोगों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। ट्राली में करीब 22 लोग सवार होकर कोट गहना से पटना गांव एवं शादी समारोह में जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। कोंडागांव पुलिस को अंतरराज्यीय गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। 2,10,00,000 रुपए के गांजे के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर ट्रक में नारियल के नीचे गांजे के 38 पैकेट में कुल 1,050 किलो गांजा छुपाकर जगदलपुर से रायपुर की तरफ जा रहे थे। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर युवक की जान ले ली। महिला और उसका प्रेमी एक झोपड़ी में 3 लड़कों को आपत्तिजनक हालत में मिले थे, जिसके बाद दोनों ने मिलकर तीनों पर हमला कर दिया। इसके बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अट्ठाईस वर्ष पूर्व हत्या कर फरार आरोपी बलराम उर्फ बल्ला को नवई थाना की खदान पारा नवई बस्ती भिलाई में भेज बदल कर छिप कर रह रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर बालोद जिले की गुरूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लगभग 28 वर्ष पूर्व सोरर निवासी बलराम उर्फ बल्ला जोशी द्वारा गांव के ही चंद्रिका यादव की हत्या कर फरार हो गया था। बलौदा बाजार जिला कार्यालय के माल खाने से चोरी किए गए 6 देसी कट्टा, 1 एयरगन एवं 6 नग कारतूस को बरामद करने में सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम को आरोपियों द्वारा ग्राम परसाड़ी के पास जमीन में गड्ढा खोदकर हथियार छुपाए जाने के संबंध में सुराग मिला, जिसके बाद ग्राम परसाड़ी के पास खाली जमीन में सफेद प्लास्टिक बोरी में लपेटकर छुपाए गए 6 देसी कट्टा, 1 एयरगन एवं 6 कारतूस को निकालकर जब्त किया गया है। राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। विगत दिनों पुलिस द्वारा धरे गए कुख्यात गांजा तस्कर पुखराज की द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कोतवाली थाना प्रभारी अलेक्जेंडर किर्रो ने गन चौक निवासी रजनी बाई ढीमर के यहाँ दबिश देकर 5 किलो गांजा बरामद किया है। नुआपाड़ा जिले के जोंक थाना अंतर्गत बीजू एक्सप्रेस वे पर नुआपारा बरगढ़ रोड पर महामाया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस के पास मारुति अल्टो कार सड़क से फिसलकर एक पेड़ से जा टकराई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक महिला, एक बच्चा तथा 4 पुरुष हैं। सभी मृतक महासमुंद जिले के निवासी हैं। ₹25,000 वोल्ट करंट से ट्रेन को शक्ति देकर पटरियों पर दौड़ने वाले बिजली तार को काटकर चोरी कर ले जाने वाले गिरोह के 5 चोरों को रायगढ़ आरपीएफ और बिलासपुर सीआई विशेष टीम ने हजारों रुपए की तार सहित पकड़ने में अहम कामयाबी हासिल की है।
मंगलवार की शाम धमतरी के टिकरापारा चौक हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रक के चालक ने एक्टिवा सवार दो युवकों को ठोकर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। दंतेवाड़ा में गश्त पर निकले डीआरजी जवानों के साथ मंगलवार दोपहर को नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में डीआरजी जवानों ने 3 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है। यह मुठभेड़ कटे कल्याण थाना क्षेत्र तुमकपाल के जंगलों में हुई, जिससे जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बिलासपुर जिले की चकरभाटा पुलिस ने कार का लालच देकर ठगी के आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कीमती कार दिखाकर 2,19,000 रुपए ऑनलाइन ठगी किया। ठग पुरुषोत्तम बदलानी को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई से लाकर न्यायालय के हवाले किया गया है। राजनांदगांव में चोरी की गाड़ी बेचने ग्राहक के तलाश में घूम रहे युवक गिरफ्तार हुआ है। शातिर चोर डुप्लीकेट चाबी बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। आरोपी से 1,10,000 रुपए कीमत की 3 नग मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र स्थित लोधीपारा इलाके में पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। खौफनाक वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी खरेश्वर प्रसाद कोसरिया अपनी पत्नी नंदन कोसरिया की हत्या की है। आरोपी युवक युवती साल भर पहले ही भागकर शादी किए थे। पंडरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के बड़े अस्पतालों में शुमार बालको मेडिकल सेंटर के सीईओ एस वेंकट कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक उनके खिलाफ 2 महिला कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार की शिकायत बालको प्रबंधन से की थी। इसके बाद कुमार ने इस्तीफा लिया गया। जसपुर की कुनकुरी थाना पुलिस ने घर में बंधक बनाकर नाबालिग से देह व्यापार कराने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने अपनी मां के साथ मिलकर लड़की को यह कहकर झांसे में लिया था कि उसे काम दिलवाएंगे, लेकिन बाद में उसे डरा धमका कर बाहरी लोगों के साथ देह व्यापार कराने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रायकेरा सिद्धरा पार में शादी कार्यक्रम में डीजे बंद कराने की बात से नाराज युवकों द्वारा बारातियों की लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई। उनके पिकअप को तोड़फोड़ किया गया। मामले में 10 युवकों के खिलाफ बलवा सहित हत्या का प्रयास का अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायगढ़ जिले की तमनार पुलिस ने पिछले 3 माह से गिरफ्तारी के भय से छिपे नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजा चौहान को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगाकर ले गया था और उसे दुष्कर्म किया था। मंगलवार को बालोद जिले की राजरा थाने के पुलिस टीम और साइबर सेल बालोद ने संयुक्त रूप से राजरा के अलग अलग मोहल्ले में अवैध व्यवसाय सट्टा और शराब के विरुद्ध छापामार कार्रवाई कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर नगद रकम जब्त किया है। बेमेतरा के भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य राहुल टिकरिया के खिलाफ डेविड महिलांग की रिपोर्ट पर कंडरका पुलिस चौकी में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज करवाने के लिए काफी तादाद में समाज विशेष के लोग मंगलवार को चौकी पहुंचे थे। कांकेर शहर के अधिवक्ता ने निजी बैंक के अनेक बैंक खाते से बैंक के एक कर्मचारी द्वारा फर्जी तरीके से 8 लाख रुपए का आहरण कर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत पुलिस थाने में की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। बलौदा बाजार जिले की सुहेला पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हिरमी शराब दुकान के पास एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगी थी। कुछ दूर जाने के बाद बाइक मालिक लघु शंका करने रुका, तभी आरोपी बाइक लेकर फरार हो गया। उसे 10,000 रुपए में बेच दिया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बाइक जब्त की है। बलौदा बाजार जिले की लवन पुलिस ने 2 आरोपियों से 1 क्विंटल गांजा के साथ 5 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। गांजे की तस्करी करने जा रहे 2 आरोपी शिव साहू व शुभम को
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बगबुड़ा रोड लवन में पटेल ऑटो पार्ट्स के दुकान के पास पकड़कर पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर आरोपी शुभम के घर से 1 क्विंटल गांजा वो 5 लाख रुपए नकद जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम करंजा भिलाई निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी के बीमार होने का जिम्मेदार गांव की 2 महिलाओं को ठहराते हुए दोनों महिलाओं पर टोनी होने का आरोप लगाते हुए उन्हें घसीटकर अपने परिचित के घर ले गया और धमकी दी गई कि मेरी पत्नी को ठीक कर दो नहीं तो जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। शिकायत के बाद जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग जिले के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी CMHO JP मेसराम को मिली है। इनके नाम को लेकर पहले ही चर्चा थी। इसी तरह जिला अस्पताल दुर्ग के सिविल सर्जन के तौर पर काम करने का मौका YK शर्मा को मिला है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में 20 वार्ड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। इससे दूसरे मरीजों को अलग रखा जाना है। इसके लिए वार्ड कारगर साबित होगा। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर मंगलवार को टेलर की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। जोबा गांव निवासी 3 युवक एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। पुलिस ने टेलर को जब्त कर लिया है।